BOURNVITA, तन की शक्ति मन की शक्ति BOURNVITA. Hey guys, what's up? I hope आप सब लोग ठीक होंगे. मेरा नाम है किरण. स्वागत करती हूँ आप लोगों का संडे गपशप के 7th एपिसोड में, जहाँ पर आप लोग मुझसे जितने भी क्वेश्चंस करते हो उन सभी का मैं आंसर करती हूँ. तो अभी आप लोगों को मुझसे जो भी पूछना है, कुछ भी अगर जानना है मेरे बारे में, तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में जाकर. मैं उन सभी का आंसर नेक्स्ट संडे गपशप में ज़रूर करूँगी. सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पर असमीज बॉय पूछते हैं, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करती हो? तो अभी मैं इन्फिनिक्स हॉटेस्ट 3 फ़ोन यूज़ कर रही हूँ. ये फ़ोन बेसिकली मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो मैंने सोचा था मैं इस फ़ोन के थ्रू व्लॉगिंग वगैरह करूँगी, पर व्लॉगिंग मैं कर नहीं पाती हूँ. बट फिर भी फ़ोन अच्छा है, मैं ठीक ठाक खुश हूँ इस फ़ोन से. तो आई मीन अभी इन्फिनिक्स हॉटेस्ट 3 के साथ हूँ मैं. नेक्स्ट कमेंट जो है वो है मनीष कश्यप का. इनका कमेंट है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड कलर एंड वर्क? तो मेरा फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा. मुझे राजस्थानी फूड में दाल बाटी करी बाटी बहुत पसंद है. उसके बाद मुझे साउथ इंडियन फूड में इडली डोसा पसंद है. और हाँ, बस इतना मेरा फेवरेट फूड है. और उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा फेवरेट कलर. तो फेवरेट कलर मेरा अभी तक का एवरग्रीन फेवरेट कलर ब्लैक है. बाकी बीच बीच में मुझे अलग अलग कलर पसंद आते रहते हैं. और नेक्स्ट इन्होंने पूछा है योर वर्क. तो वर्क कौन सा फेवरेट होता है? बट फिर भी मुझे ये यूट्यूब से रिलेटेड, और अभी मैंने एक वेबसाइट पर काम करना शुरू किया है जो कि होप्स आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा. तो हाँ, मुझे ये डिजिटली जो भी चीज़ें हैं वो सब करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. नेक्स्ट कमेंट जो है वो किया है सिराजुल अहमद ने. इनका कमेंट है, दी एक बात पूछना था, क्या रेडमी Y2 का प्रोसेसर है वो गेम के लिए ठीक होगा? गेम के लिए ठीक तो होगा, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा. तो अगर आप इसी रेंज में कोई फ़ोन यूज़ करना चाहते हो जिसमें आप अच्छे गेम खेलना चाहते हो लाइक पबजी वगैरह, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप रियलमी 1 की तरफ जाओ, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है. उसमें P60 यूज़ हुआ है जो कि एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है अगर आप गेम खेलना चाहते हो स्पेशली. तो नेक्स्ट कमेंट जो है वो है देखे वीडियो का. इनका कमेंट है, मैडम आप कौन सा माइक यूज़ करते हो? तो माइक मैं पहले इतना यूज़ नहीं करती थी, अभी कुछ दिनों से ही मैंने माइक यूज़ करना स्टार्ट किया है. और ये जो माइक है उसका नाम है बोया BY-M1. तो अभी बस टेस्टिंग चल रहा है. आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा साउंड क्वालिटी आजकल कैसा लग रहा है. और मैं भी बस इसको टेस्ट करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद इसका रिव्यू भी करूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा. नेक्स्ट कमेंट जो है वो है टेकी बिसाल का. इनका कमेंट है, वेरी नाइस, रियली माइंड ब्लोइंग. मैं अगर आपसे मिल पाता तो रियली आपके ऑटोग्राफ लेता. वाह, क्या बात है. ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छा था और इन्होंने मेरी काफ़ी सारी तारीफ करी थी, इसलिए थैंक यू. और नेक्स्ट कमेंट जो है वो किया है रे ईज ने. इनका कमेंट है, नेवर सीन अ गर्ल प्लेइंग विद दैट काइंड ऑफ अ स्टफ, हेड्स ऑफ, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट, वी लव यू. क्या बात है, आजकल तारीफ पर तारीफ. थैंक यू जनता, आप लोग इतना अच्छा अच्छा मुझे सपोर्ट करते हो. आई मीन आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स के मुझे कितना सपोर्ट मिलता है इन सब चीज़ों से. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट कमेंट जो है वो किया है टाइप्स ऑफ वीडियो लेट्स गो. इनका कमेंट है, आपकी खूबसूरत हेयर और आपकी स्माइल का क्या राज है? तो इन खूबसूरत हेयर जो कि है नहीं और इस खूबसूरत स्माइल, उसका राज है BOURNVITA, तन की शक्ति मन की शक्ति BOURNVITA. तो रोज़ 2 चम्मच खाओ, आपकी भी स्माइल अच्छी हो जाएगी और आपके बाल मेरी तरह ख़राब हो जाएंगे. नेक्स्ट कमेंट जो है वो किया है टेक्निकल जैज ने. इनका कमेंट है, मैम प्लीज़ टेल मी जियोनी P5L इज़ बेटर और नॉट? शायद जियोनी P5L, ये मॉडल काफ़ी पुराना है. आई गेस ये 2016 का मॉडल है जो कि आजकल 5-5.5 हज़ार में मिल जा रहा है. तो अगर आप लोग इसको लेने का सोच रहे हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको लो. मोबी स्टार के इसी रेंज में कुछ स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, आप उनको परचेस कर लो. या फिर शाओमी के कुछ एक दो मॉडल्स हैं जो काफ़ी अच्छे इस प्राइस रेंज में, आप उनको ले लो, बट इस फ़ोन को बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट कमेंट जो है वो किया है सौरभ राज ने. इनका कमेंट है, यू आर सो ब्यूटीफुल. नेक्स्ट कमेंट है वो किया है संदीप पाइकरा ने. आई डोंट नो मैं इनका लास्ट नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट अगर गलत कर रही हूँ तो सो सॉरी. और इनका कमेंट है, व्हाट्स योर फुल नेम? तो मेरा फुल नेम है किरण नागर. और इसी नाम से, आई मीन इसके पीछे आप फिर 44 लगा दीजिए, किरण नागर 44 से मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिल जाऊँगी. तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और जल्दी से मेरे 5,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करवा दीजिए. तो अभी तन्मय सिंह पूछते हैं, मैम आप वीडियो कौन से ऐप से एडिट करती हो? तो ये कोई ऐप नहीं है, मतलब मैं इसको फ़ोन में नहीं यूज़ करती हूँ. ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं लैपटॉप में यूज़ करती हूँ, जिसका नाम है फिल्मोरा. काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर से उसे वीडियो एडिट करना काफ़ी ईजी होता है, और जो बिगनर्स है स्पेशली उनके लिए तो काफ़ी ईजी सॉफ्टवेयर है. तो अभी तक मैं फिल्मोरा पे हूँ. अगर फ्यूचर में कभी शिफ्ट करूँगी बड़े सॉफ्टवेयर पर तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी.
नेक्स्ट कमेंट जो है वो है तरुण बेलेनेश्वर का. आई डोंट नो, मैंने इनका सरनेम भी गलत प्रोनाउंस किया है शायद, सॉरी तरुण. और इनका कमेंट जो है, आप यूट्यूबर तो हो, इसके अलावा आप और कौन से काम करती हो? तो यूट्यूबर के अलावा मैं एक जॉब करती हूँ, रेगुलर जॉब है और यूट्यूब है, बस यही है और कुछ नहीं है. तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को और भी कुछ मुझसे जानना है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर उनका आंसर नेक्स्ट संडे गपशप में करूँगी. तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.